Hello everyone, welcome to EduChants. Today we'll discuss about contribution of Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo to the field of education. So हम लोग discuss कर रहे हैं OPSC PGT recruitment 2024 के education paper के बारे में, जो कि हमारा lecture number 3 है. So देखिए, इसका जो video है already हमने इस class को already हमारे playlist में आप जाइएगा तो ये class आपको मिल जाएगा. हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे. जो भी डाउट्स रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो पहले हम चलेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जानेंगे. तो देखिए, इनके बारे में आप सभी को पता है, कुछ चीज़ें जो हैं आपको याद रखने हैं वो हमने यहाँ पर ब्रीफ किया गया है, ठीक है. तो देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू, सभी जानते हैं उनको, बापू बुलाया जाता है और फादर ऑफ नेशन कहा जाता है. द फादर ऑफ आवर नेशन वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी गुजरात के तट पर पोरबंदर पे उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को. हिज फादर वॉज करमचंद, हु वॉज द सीनियर ऑफिशियल ऑफ देवान, यानी कि वो सीनियर ऑफिशियल थे जिसको देवान कहा जाता था उस एरिया के, मतलब वो जो छोटा सा स्टेट, इंडियन स्टेट था उस टाइम में, प्रिंसली स्टेट कहा जाता था पोरबंदर के, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, देवान कहा जाता था. और उसके बाद वो चीफ करभारी यानी एडवाइज़र बन के राजकोट चले गए, ठीक है. तो गांधी जी का जो मैरिज हुआ था, ही गॉट मैरिड इन 1888 एट द एज ऑफ 13. हिज वाइफ कस्तूरबाद मकनजी, हु वॉज ऑल्सो 13, यानी 13 साल की उम्र में बाल्य विवाह उस टाइम में होता था, दोनों के एज समान थे, उनका शादी हो गया था. At the end of his formal schooling, he decided that he wanted to be a lawyer. वो एक वकील बनना चाहते हैं, इसलिए वो इंग्लैंड चले गए 1887 में लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है. He returned India in 1914 and took part in Indian National Congress, INC उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है. He established साबरमती आश्रम in अहमदाबाद in 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया है, ठीक है. He was shot to death by Nathuram Godse on 30 January 1948 को Nathuram Godse ने उन्हें गोली मार के हत्या की थी. और इसी दिन को हम मार्टायर्स डे यानी शहीद वालों के दिवस के बारे में हम इन्हें रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, ठीक है. देखिए, इसका जो भी हमने यहाँ पे पढ़ाया है वो आपको कहीं पे भी मिल जा सकता है. इनफैक्ट हमारे वीडियोस में अगर आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है. डिस्कस करने का ये मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों को रिपीट करते हो, अगर याद करते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे और डाउट्स वगैरह आपका जो भी रहेगा उसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम अभी जो पढ़ा रहे हैं यूनिट 1 का पढ़ा रहे हैं, ठीक है. यानी आपका पेपर 1 यूनिट 1 पढ़ा रहे हैं. ये जब यूनिट 1 कंप्लीट होगा तब हम यूनिट 2 पढ़ाएंगे, यूनिट 1 पढ़ाएंगे पेपर 2 का, ठीक है. यानी मेजरमेंट एंड असेसमेंट पढ़ाएंगे पेपर 2 का, ठीक है. पेपर 2 का जो यूनिट 1 होगा वो हम पढ़ाएंगे. तो दोस्तों, वांट टू ज्वाइन द कोर्स, दे मे ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द बैच. बैच में ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है, PDF वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दिया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो. एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने 16 यूनिट्स है उसको कवर करना है. तो यू विल गेट ऑल द नोट्स, यू विल गेट द डिटेल ऑफ क्लासेस, ठीक है. चलिए, हिज टीचिंग्स एंड थॉट्स, इनका क्या थॉट है एजुकेशन के ऊपर. तो अकॉर्डिंग टू हिम, एजुकेशन मस्ट बी कॉन्क्रीट एंड इंटरकनेक्टेड. वो कहते हैं कि शिक्षा कॉन्क्रीट एंड इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे कि मतलब हवा में बात करने वाला पढ़ाई नहीं होना चाहिए, फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कॉन्क्रीट, यानी कि जो पढ़ने से इसको हम कोई यूज़ में लगा सकते हैं. एंड इंटरकनेक्टेड, सभी जो स्टडीज़ हैं उसको किसी ना किसी के साथ वो उसका संबंध होना चाहिए. हर एक चीज़ ना रियल लाइफ के साथ कनेक्टेड भी होना चाहिए. He propagated basic education. वो चाहते थे कि basic education provide किया जाए, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि जैसे FLN, foundational learning and literacy and numeracy, मतलब basic चीज़ें सीखेंगे जैसे कि numbers, words, alphabets, ठीक है. तो ये सब सीखेंगे. He has laid emphasis on learning through hands-on experience. यानी कि hands-on experience, यानी कि वो चाहते थे कि सभी कुछ ना कुछ काम करें अपने हाथों से. जैसे वो खुद जो थ्रेड कटिंग करते थे उसी तरीके से वो चाहते थे कि सब अपने
हाथ में कुछ कला होना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई कभी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी काम करके अपना गुजारा कर सकता है, ठीक है। ही हैड स्ट्रेस ऑन मदर टंग बेस्ड एजुकेशन, चाहते थे कि वो जो स्टूडेंट रहेगा वो अपने मदर टंग से ही सीखे। एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, आफ्टर ऑल एजुकेशन शिक्षा जो मदद करेगा कि हम नेशन बिल्डिंग में मदद करें, गांधी जी ने डिफाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना है आपको, बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मैं ये समझता हूँ कि एक पूर्णांग विकास होना चाहिए बच्चे और इंसानों के बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि आपका शरीर में, आपके बुद्धि में और आपके स्पिरिट, यानी कि आपके आत्मा में, आपके जिगर में, आप में, या फिर आप कह सकते हो आध्यात्मिक स्तर पे भी आपका विकास हो, यानी हर प्रकार का विकास चाहते थे वो शिक्षा के थ्रू। बुक्स बहुत सारे इन्होंने लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट ये है, एन ऑटोबायोग्राफी, ऑल मेन आर माई ब्रदर्स, टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, माई रिलीजियन, की टू हेल्थ, ट्रूथ इज गॉड एंड माई नॉन वायलेंस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। देखिए इन्होंने एक होलिस्टिक व्यू दिया है, होलिस्टिक यानी कि हर तरीके से इन्होंने सोचा है कि शिक्षा कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि विकास हो लेकिन हर तरीके का विकास, ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास हो गया मानसिक विकास नहीं हो पाया, मानसिक हो गया लेकिन आवेगिक विकास नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना जरूरी है। देन प्रोपगेशन ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड, ठीक है, वो चाहते थे कि शांति प्रतिष्ठा किया जाए, इसलिए नॉन वायलेंस वो चाहते थे, एंड ब्रदरहुड वो हमेशा से चाहते हैं कि हम सभी एक साथ मिल करके अपने जैसे रहेंगे। कैरेक्टर फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर फॉर्मेशन, अ गुड पर्सनालिटी, ये चाहते थे कि शिक्षा के थ्रू हम अच्छे इंसान बनाएंगे जो कि सेवा करेंगे देश की, जो जिनका जो साहस और उनका जो पर्सनालिटी होगा वो बहुत क्लियर होगा, वो सभी के दिल को छू जाएगा। देखिए उनके पास ना अस्त्र था, ना वो हट्टे कट्टे थे, ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, ना वो बहुत बड़े पोएट थे, फिर भी पूरा देश उनके पीछे भागता था, पूरा देश उनको मानता था, आज भी हम बापू बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा कुछ था। तो इनका कहना ये है कि हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए दैट शुड बी वेरी फर्म, दैट शुड बी वेरी यू नो क्लियर, दैट शुड बी वेरी यू नो प्रोमिसेबल, मतलब जो भी हम करेंगे वो प्रॉमिसेबल होना चाहिए, वो अच्छी तरीके से सबको पसंद आना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। बेसिकली एज फार एज द एजुकेशन एज वेल एज नेशन इज कंसर्न, यानी कि आपका देश के प्रति जो आपका प्यार है वो सही होना चाहिए, और आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ कर बैठो, यानी कुछ करने के लिए आप में वो हिम्मत होना चाहिए कि मैं देश के जो स्वतंत्रता के लिए मैं लड़ूंगा, मैं कुछ अपने लेवल पे करूंगा। कोई पोएट है तो वो अपने लेवल पे करेगा, कोई फ्रीडम फाइटर है वो फाइट करेगा, कोई अगर क्रिटिक है तो अपने से करेगा, मतलब अपने अपने लेवल पे करेंगे। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास करेंगे। कल्चर, इंडियन डाइवर्सिटी, इंडियन कल्चर इज़ वेरी मच डाइवर्सिफाइड, और हमारा कल्चर ही हमारा आइडेंटिटी है, सो हम इसको डेवलप करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट, आफ्टर ऑल वी ऑल आर इन अ नेशन वेयर द नेशन इज डेवलपिंग स्टेज, एंड वी ऑल नो दैट हमें नेशन डेवलपमेंट में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अगर अच्छा सिटीजन रहेगा तो अच्छा डेवलप करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा डेफिनेटली। वोकेशनल एजुकेशन, जैसे कि मैंने कहा वो चाहते थे कि वैश्विक शिक्षा या फिर आप कह सकते हो किसी प्रकार का कला हाथ में होना चाहिए, जैसे कि निटिंग, ठीक है, स्विंग, ठीक है, तो कोई भी काम जो हम सीख सकते हैं, जो हम वोकेशन सीखेंगे और ज़िंदगी में उसको अप्लाई करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आप खुद को जान पाओगे, ठीक है, आत्म परिचय, आप अपने आप को जान पाओगे, आप में अंदर क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, वो सब। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, कोई ना कोई क्राफ्ट हम सीखेंगे। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स, आपको पता है कि वो एक आइडियलिस्ट भी थे, वो एक रियलिस्ट भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे और प्रैग्मेटिस्ट भी थे, ये सभी थे, इसलिए वो कहते थे ही बिलीव्ड इन वर्क विथ डिग्निटी, काम करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी करो इज्जत से करो। ही हैड फेथ ऑन स्पिरिचुअलिज्म एज वेल एज फेनोमेनल रियलिटी, भगवान को भी मानते थे, रघुपति राघव राजा राम, उसके साथ ही साथ वो कहते थे कि फेनोमेनल रियलिटी, द वर्ल्ड अराउंड अस इज ऑल्सो रियल, हम जो देख रहे हैं हमारे सामने वो भी रियल है, तो इसलिए दोनों का एक अच्छा ब्लेंड मिक्सचर जो है दुनिया को वैसे ही देखो, ताकि आपको थोड़ा सा आस्था रहे भगवान पर और कुछ रियलिटी पर।
अगर रियलिटी में नहीं जियोगे तो मतलब मारे जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे। अगर सिर्फ मेटेरियल वर्ल्ड में जियोगे, भगवान के ऊपर आस्था नहीं रहेगा, तो ज़िंदगी का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ही सेज वॉट एवर वी सी एंड बिलीव टू बी रियल आर रियल, यानी कि हम जो देखते हैं, हम जो बिलीव करते हैं कि ये सच होगा तो वही सच है। मतलब आपके हिसाब से जो सही लग रहा है वही सच्चाई है। ठीक है, नॉलेज कहाँ से मिलता है? नॉलेज कम्स फ्रॉम डूइंग, यानी कोई काम करते करते जो ज्ञान मिलता है वही सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है। लर्निंग बाय डूइंग और नॉलेज फ्रॉम एक्टिविटीज़। ठीक, ही बिलीव दैट वी शुड वर्क इन ऑर्डर टू गेट एक्सपीरियंस, अगर हम काम करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, रियल नॉलेज कम्स थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से रियल नॉलेज आता है। ठीक है, नॉलेज इज ऑलवेज अ मीन्स नॉट एन एंड, नॉलेज एक सिर्फ जरिया है, ये कोई लास्ट प्रोडक्ट नहीं होता है। उसके बाद आता है ट्रूथ, नॉलेज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के हिसाब से ज्ञान और सच्चाई सभी परिवर्तित होते हैं। और उसके बाद आते हैं वैल्यूज़, वैल्यूज़ तो बहुत सारे हैं, वैल्यूज़ देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे वैल्यूज़ की बात की है। ब्रदरहुड, पैट्रियटिज्म, इक्वालिटी, बिलीव इन गॉड आर सम ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़। वो कहते थे हम भाईचारा फैलाएंगे और हम मतलब देशभक्ति को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और इक्वालिटी मेंटेन करेंगे और भगवान पे विश्वास रखेंगे। उसके बाद नॉन वायलेंस, ठीक है, ट्रूथ, इंटरनेशनलिज्म, डिग्निटी ऑफ लेबर, रिस्पेक्टिंग अदर्स कल्चर, ये ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ इन्होंने बताया है। उसके बाद आते हैं करिकुलम पे, करिकुलम में क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें बेसिक क्राफ्ट, जैसे कि मैंने कहा बेसिक क्राफ्ट सिखाना एजुकेशन का लक्ष्य है, तो डेफिनेटली इट शुड बी इनकल्केटेड इन द करिकुलम। करिकुलम में नहीं रहेगा तो फिर एम ऑफ एजुकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं? तो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन अगर हमारा एम है तो करिकुलम में हमें क्राफ्ट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था निटिंग, स्विंग, ठीक है, और मतलब जितने सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, छोटा छोटा पेंटिंग बनाना, छोटे छोटे बेसिक क्राफ्ट करना, ठीक है, डेवलपिंग जो टेराकोटा वाला होता है ना, वो छोटे छोटे क्राफ्ट होते थे, हैंडलूम्स होते थे, वो सब सिखाना वहाँ पे। उसके बाद आता है मदर टंग एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जो दिया जाएगा मदर टंग से, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, सोशल स्टडीज़ होंगे, जनरल साइंस सिखाया जाएगा, म्यूजिक एंड ड्राइंग सिखाया जाएगा, हेल्थ साइंस रहेगा, मोरल एजुकेशन भी रहेगा। उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ लर्निंग, उस टाइम में मेथड ऑफ लर्निंग मतलब गांधी जी के अनुसार कंटेम्प्रेरी ये था कि क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, वही क्राफ्ट से सीखेंगे बच्चे, क्राफ्ट उन्हें करने से बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, तो इट इज़ वन काइंड ऑफ लर्निंग मेथड। देन एक्टिविटी मेथड, डेफिनेटली वो चाहते थे सब कुछ प्रैक्टिकल मेथड से हो, तो इसीलिए प्रैक्टिकल मेथड मतलब एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी से सीखेंगे, वैसे लर्निंग बाय डूइंग करते करते सीखेंगे, प्रॉब्लम दिया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते सीखेंगे, कुछ लेक्चर मेथड भी था और क्वेश्चन आंसर मेथड भी था। ठीक है, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, वो कहते थे रोल ऑफ टीचर ऐसा होना चाहिए कि एक नॉबल पर्सन होना चाहिए, उसके पास आइडियोलॉजीज अच्छे होने चाहिए, वो एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए ये सारे के सारे जो है आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे, और जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा तो इसका सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम में भी हमने दिया हुआ है लिंक कि ज्वाइन करने के लिए ओपीएससी पीजीटी बैच के लिए जो भी पेड कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, सो डोंट बी लेट, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ लर्नर, लर्नर क्या होना चाहिए, स्टूडेंट शुड फॉलो इन ऑर्डर टू अचीव द गोल, स्टूडेंट क्या फॉलो करेगा, रूल फॉलो करेगा तो ताकि वो अपने गोल्स को फुलफिल कर सके। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें एक कायदे में रखते हैं, कहते हैं ना कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो इसी तरीके से कायदे में रहेंगे तो सब कुछ गोल हमारा टाइम से अचीव हो सकता है। लर्नर्स आर इनकरेज टू बी मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेंगे और नेचुरली वो लर्न करेंगे टीचर से। ठीक है, उसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सभी को पता है क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, और इनके बारे में कौन नहीं जानता, रविंद्र संगीत कौन नहीं जानता, जनगण मन अधिनायक, आज भी हम जब गान करते हैं तो मतलब जो वो जो वाइब्रेशन आता है हमारे अंदर, वो जो गूजबम्प्स आते हैं, वो हमें अच्छे से याद दिलाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव ऑफ पोइट्स वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 टू रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी इन जोरासंका मैंसन इन कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव ऑफ पोइट कहा जाता है, यानी पोइट के पोइट, पोइट के गुरुदेव, मतलब कवियों के सम्राट कहा जाता था, कवियों के कवि कहा जाता था, जो कि 7 मई 1861 को जन्म लिए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके पिताजी का नाम शारदा देवी, माताजी का नाम, उनका एक बंगला था, मतलब पुराना और पुश्तैना बंगला कह सकते हैं, सारे के सारे उनका घराना वहीं पे जन्म लिया है, जोरासंको मैंसन में हुआ था जो कि कोलकाता में है।
ही वॉज द यंगेस्ट सन अमंग 13 चिल्ड्रेन। 13 बच्चों में वो 13th नंबर में आते थे, सबसे छोटे थे 13th। आप सोचिए अगर घर में चार या फिर तीन बच्चे होते हैं तो फिर हम झगड़ा लगते हैं कि छोटा जो है वो उसको कुछ नहीं मिला या फिर बड़ा जो है उसको प्यार नहीं मिला। लेकिन देखिए ये 13th चाइल्ड एंड ही इज सो जीनियस, ही वॉज सो जीनियस एंड ही इज ऑल्सो इन आर हार्ट्स। तो मतलब देखिए सबसे यंगेस्ट है, 13th चाइल्ड है, फिर भी वो इतने इंटेलिजेंट थे। ठीक है, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट इन नेचर, बेसिकली नेचुरलिस्ट थे एंड ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज ऑफ द 12th सेंचुरी 20th सेंचुरी एंड कॉल्ड एज वर्ड स्मिथ ऑफ इंडिया, क्योंकि वो 20th सेंचुरी में एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल मतलब आज के जैसा इन्फ्लुएंशियल नहीं, उस टाइम में इन्फ्लुएंस करना सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम में सभी के पास वो ज्ञान नहीं था, लेकिन वो उस टाइम में अपने ज्ञान से सभी लोगों के पास वार्ता पहुंचाते थे, सभी के पास अपना मैसेज पहुंचाते थे, और इतने अच्छे राइटर थे, इतने अच्छे पोइट थे कि पोइट्री के द्वारा अपने लेखक मतलब अपने राइटिंग्स के द्वारा वो सभी का दिल जीत लेते थे, इसलिए इनको वर्ड स्मिथ कहा जाता है, जिनके पास वर्ड का भंडार होता था। ही वॉज अ पोइट राइटर थिंकर एंड फिलोसोफर। ठीक है, हिज वर्क्स देखिए, इन्होंने सबसे बढ़िया मतलब सबसे याद रखने वाला चीज़ जो कि आपको पता है, गीतांजलि लिखा था। इसमें बहुत सारे पोएम्स लिखे गए हैं, राउंड 157 पोएम इसमें लिखे गए हैं, बंगाली डायलेक्ट में लिखा गया है, और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, नेचर के बारे में, इमोशन के बारे में, पैथोस के बारे में सब कुछ लिखा गया है, और इसी गीतांजलि की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर कैटेगरी में 14 नवंबर 1913 को। सबसे इंपॉर्टेंट ये नोबेल विनर है, नोबेल लॉरेट है। ठीक है, ही ऑल्सो रोट द नेशनल एंथम फॉर इंडिया जनगणमन एंड बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला, फॉर विच बोथ नेशन विल बी इंडेब्टेड टू हिम। दोनों देशों का इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था, बांग्लादेश में बांग्ला चलता है इसलिए बंगाली में उन्होंने उनका जो नेशनल एंथम उन्होंने लिखा था। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड नाइटहुड इन 1915 विच ही रिनाउंस्ड आफ्टर 1999 जालियांवाला बाग मैसेकेयर और कैरनेज। जलियांवाला बाग में पता है जनरल डायर ने कैसे गोली से सभी को मार दिया था, मासूम लोगों को, इसीलिए जो नाइटहुड का उनका उनको जो अवार्ड मिला था, जो ऑनर मिला था, जो कि अंग्रेजों ने दिया था, ब्रिटिश ने उन्हें नाइटहुड का एक ऑनर दिया था 1915 में, उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग का जो कैरनेज हुआ था, वहाँ पे जो हत्या हुई थी, उसके बाद इन्होंने इसको वापिस कर दिया था ब्रिटिशर्स को, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए क्योंकि आप हमारे लोगों को मार रहे हो। इन 1940 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अवार्डेड हिम अ डी लिट को डिग्री, और यू कैन से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर इन अ स्पेशल सेरेमनी अरेंज्ड एट शांति निकेतन। शांति निकेतन में उनको दिया गया था। उसके बारे में देखिए, हिज थॉट्स ऑन एजुकेशन, वो कहते थे फ्रीडम ऑफ माइंड, यानी कि जो एजुकेशन रहेगा मतलब शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब हमारा जो दिमाग है उसको फ्री करेगा, यानी सारे के सारे चीज़ों का एक हल निकालेगा। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, सल्यूशन ना हो, तो क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल से जाम हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। लेकिन आपके पास अगर सल्यूशन होगा तो यू योर माइंड विल बी रिलीव्ड। यू शुड एजुकेशन शुड ऑलवेज ट्राई टू फ्री द माइंड, तो इसलिए फ्रीडम ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज द फ्रीडम ऑफ माइंड विच कैन ओनली बी अचीव थ्रू द पैथ ऑफ एजुकेशन, शिक्षा से ही ये मिल सकता है। चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन, ये कहते थे बच्चों को बच्चों की तरह ही देखो। मदर टंग शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नर्चरिंग द चाइल्ड विथ नेचर, नेचर यानी नेचुरली बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो मैंने कहा था वो एक नेचुरलिस्ट है। ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन डेफिनेटली एंड डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, ये दो भी इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग, नेचुरलिस्ट लर्निंग। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन बहुत सारे थे, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चा खुद को सीखेगा, खुद को जानेगा और अपने आप को पहचानेगा, तभी जा करके आगे बढ़ सकेगा। आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जाने बगैर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इसलिए नेचुरली आप अगर पढ़ोगे तो आपके स्ट्रेंथ के बारे में आप रियलाइज कर सकते हो, वीकनेस के बारे में रियलाइज कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में भी रियलाइज कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। हार्मनी विथ एवरीथिंग, यानी कि नेचुरलिस्ट थे इसलिए कहते थे जिस चीज़ों के साथ रहेंगे अच्छे से रहेंगे। फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सप्रेशन, जब नेचुरली वो पढ़ेगा तो खुद को एक्सप्रेस करेगा ही। देन गुड रिलेशन विथ नेचर, नेचर के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा। इंटरनेशनलिज्म, यानी कि इंटरनेशनल, ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक इंटरनेशनल फिगर है, इसलिए वो कहते थे कि देश देश के बीच में, सभी के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए।
लव फॉर ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते थे, इंसानियत के बारे में बात करते थे, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि ये सभी आप एजुकेशन के थ्रू अचीव करोगे। एजुकेशन शुड वर्क, एजुकेशन शुड डेडिकेट, शुड बी डेडिकेटेड फॉर ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हासिल करना लक्ष्य रहेगा शिक्षा का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स के बारे में देखिए, नेचुरलिस्ट जो बोलते हैं यही वही वही बोलेंगे कि देखिए जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो रियल है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो नेचर आता नहीं है, इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड इज रियल देन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नेचर हैज़ इट्स ओन लॉज एंड इज रेगुलेटेड बाय द सेम। नेचर का अपना कुछ लॉ होता है, वो अपने आप खुद को रेगुलेट करता है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। माइंड इज़ अ सबॉर्डिनेट टू मैटर, यानी कि अगर ये मैटर है उसमें छोटा सा चीज़ है माइंड, ठीक है। माइंड एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है इतने बड़े सेट का, एक छोटा सा सबसेट है। देर इज नो स्पिरिचुअल रियलिटी, कोई स्पिरिचुअल रियलिटी होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम नेचर, ह्यूमन, फिजिकल एनवायरनमेंट आर द सोर्सेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, इंसानों से मिलता है, हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलता है। नेचर इज एफिशिएंट इनफ टू रेगुलेट इटसेल्फ, नेचर खुद ही एफिशिएंट है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। नॉलेज कहाँ से आएगा? एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। आपको पता है नेचुरलिस्ट हमेशा कहते हैं सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, ठीक है। और भी है जो रियलिज्म, रियलिज्म भी कहता है सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए नेचुरलिस्ट कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरलिस्ट ही कहते हैं सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, जो भी नॉलेज, जैसे कि मान लीजिए आप जो किताबों में बुक्स में पढ़ते हो, बुक्स में क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हो, टाइगर के बारे में पढ़ते हो, बीमारी के बारे में पढ़ते हो, ये सब कुछ कहाँ से आए? मेडिसिन, जो मेडिसिन आप मतलब खाते हो या फिर पढ़ते हो, जो भी मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, ये जो मेडिसिन है वो कहाँ से आता है और किस किताबों में ये सब लिखा जाता है? तो मतलब किताबों से लिखने का कंटेंट कहाँ से आता है? फ्रॉम नेचर, नेचर से ही तो आता है। नेचर से आपको मेडिसिन के बारे में पता चलता है, फिर आप किताब लिखते हो, इसलिए नेचर से ही सारे नॉलेज आते हैं। फ्रीडम इज द की टू ट्रू नॉलेज, फ्रीडम से ही ट्रू नॉलेज मिल सकता है। चिल्ड्रन लर्न एट देयर ओन पेस, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी कि आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, अपने पेस के थ्रू पढ़ेंगे और आप अपने टाइम के हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूज, वैल्यूज एंड एक्सियोलॉजी, वैल्यूज आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड एंड स्पेसिफिक टाइम। समय के हिसाब से और आवश्यकता के अनुसार आप क्या करते हो, जरूरत के अनुसार आप अपना वैल्यू खुद बनाते हो। ऑल वैल्यूज कम फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, नेचर से ही वैल्यूज आते हैं। इट डज नॉट हैव फेथ इन प्री डिफाइंड वैल्यूज, कोई पुराने वैल्यूज पे ये बिलीव नहीं करते हैं। फिर आते हैं शांति निकेतन, जो कि इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो देखिए, टू रियलाइज द गोल ऑफ एजुकेशन, टैगोर एस्टेब्लिश शांति निकेतन इन 1901 एट बोलपुर कोलकाता। बोलपुर कोलकाता में शांति निकेतन उन्होंने बनाया था, शांति यानी वो चाहते थे पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। 1901 में इन्होंने ये बनाया। द वर्ड शांति निकेतन जस्टिफाइज पीस एट दिस इंस्टीट्यूशन, पीस चाहते थे शांति निकेतन। डेफिनेटली आप अगर विजिट करोगे तो पता चलेगा एक्चुअल में इसका जो वर्ड है शांति निकेतन, ये जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि अंदर इतना ज़्यादा शांति है और चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे पढ़ने के लिए। पेड़ पौधे ज़्यादा, डिपार्टमेंट्स कम, ऐसे लगेंगे आपको, पूरा इतना अच्छा लगेगा, ठीक है। शांति निकेतन बिकेम विश्व भारती ऑन 22 दिसंबर 1921 एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। विश्व भारती को एक यूनिवर्सिटी बनाया गया, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विश्व भारती आर विद्या भवन, उनमें कुछ जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं वैसे डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। विद्या भवन में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च होते हैं। विनय भवन में कॉलेज ऑफ टीचिंग एंड टीचर ट्रेनिंग होता है, यानी टीचर एजुकेशन वाला होता है। कला भवन में आपका फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट होता है। संगीत भवन में ऑब्वियसली म्यूजिक एंड डांस होता है। श्री निकेतन, श्री निकेतन रूरल कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में होता है। उसके बाद आता है शिल्प सदन, यानी कि आपका कॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं करिकुलम, इनका करिकुलम कैसा रहेगा? इनके अनुसार करिकुलम में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो बुक नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा ही रिजेक्टेड द बुकिश नॉलेज एंड गेव इंपॉर्टेंस टू लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो खुद एक पोइट थे, इसलिए लैंग्वेज से ही उसका मतलब एक अच्छा एरोमा पता चलता है, उसका अच्छा मीनिंग पता चलता है। बुकिश नॉलेज को रिजेक्ट किया। एम्फसाइज्ड ऑन लर्निंग लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेचर स्टडी, साइंस, फिलोसफी, रिलीजन, साइकोलॉजी,
ही एम्फासाइज ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइक ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, स्पोर्ट, गेम्स, डिजाइनिंग, स्विंग, कटिंग, गार्डनिंग, ये भी प्रोपागेट करते थे। मेथड ऑफ लर्निंग रहेगा प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग, नेचुरलिस्ट है इसलिए लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी मेथड ह्यूरिस्टिक, यानी कि कोई प्रॉब्लम दिया जाएगा उसका सल्यूशन निकालेंगे, यानी डिस्कवरी मेथड जैसा। डायरेक्ट एक्सपीरियंस और डिबेट डिस्कशन मेथड ये रहेगा। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम ओनली मैन कैन टीच अनदर मैन, सिर्फ इंसान ही और एक इंसान को बना सकता है, यानी एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा इंसान बनाएगा। यानी द टीचर हैज़ टू बी वेरी गुड इन पर्सनैलिटी, अच्छा पर्सनैलिटी रहेगा तभी दूसरों को अच्छा सिखा पाएगा। ही हैज असाइंड अ प्रोमिनेंट प्लेस टू द टीचर इन एजुकेशनल सेटअप। अकॉर्डिंग टू हिम ए टीचर मस्ट बी अ लर्नर हिम और हर सेल्फ इन ऑर्डर टू टीच इफेक्टिवली। अगर आप अच्छे से पढ़ाना चाहते हो तो पहले एक खुद एक लर्नर बन जाओ, खुद सीखो तब जा करके दूसरों को सिखा सकते हो। यानी कि हमेशा चाहे आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आपको हमेशा जो भी पढ़ाओगे या फिर जो भी आप सिखाओगे खुद सीख लेना चाहिए, एक बार खुद देख लेना चाहिए। आप हमेशा पढ़ाई में इंडल्ज रहना चाहिए ताकि जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो भी हमें पता चले, ठीक है। ही हु कैन लव कैन टीच, जो दूसरों को प्यार कर सकते हैं वही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। टीचिंग इज़ नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, इट्स एन इमोशन। तो आप जो भी पढ़ाते हो वो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बच्चे को समझ के, अपने इन्वायरमेंट को समझ के पढ़ाते हो, तो ये सब तो चाहिए ही चाहिए। सो टीचर इज़ अ पर्सन हु विल लव हिज प्रोफेशन एंड विल टीच चिल्ड्रेन विथ पैशन। चिल्ड्रेन को, बच्चों को पैशन के थ्रू और अपने काम को प्रोफेशन के थ्रू वो निभाएगा। रोल ऑफ लर्नर, लर्नर यहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग है, फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। टैगोर एम्फसाइज चिल्ड्रेन आर टू बी ट्रीटेड एज लर्नर इंस्टेड ऑफ एडल्ट। तो बच्चों को बच्चे की तरह पढ़ाना चाहिए, लर्नर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ना कि ये बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े बच्चे बन गए इसलिए इनको नहीं पढ़ाएंगे या फिर उनके हिसाब से पढ़ेंगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आते हैं श्री अरविंदो, ठीक है, और सभी को पता है अरविंदो घोष जी के बारे में। तो आपको पता है कि उनका पूरा नाम था अरविंदो घोष, ठीक है। अरविंदो घोष, पॉपुलरली नोन एज श्री अरविंदो, वॉज बॉर्न ऑन August 15, 1872 एट कोलकाता। हिज फादर कृष्णधुन घोष वॉज द असिस्टेंट सर्जन ऑफ रंगपुर बंगाल। हिज मदर स्वर्णलता देवी वॉज द डॉटर ऑफ राजनारायण बोस, ए रिलीजियस सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पिताजी कृष्णधुन घोष एक असिस्टेंट सर्जन थे, यानी डॉक्टर थे, और वहाँ पे स्वर्णलता देवी एक जाने माने सोशल रिफॉर्मर की बेटी थी। तो अगस्त 15 और 1872 को उनका जन्म हुआ था। इन 1879 एट द एज ऑफ 7 ही वॉज टेकन अलॉन्ग विद द टू एल्डर ब्रदर्स टू इंग्लैंड फॉर एजुकेशन एंड लिव देयर फॉर 14 ईयर्स। 14 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई किया इंग्लैंड में, ठीक है। स्कूलिंग एट सेंट पॉल्स लंडन बिगन इन 1884। ही ज्वाइंड किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1990। ही इज द, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 1890 होगा, ठीक है, तो इसको हम काट दे रहे हैं, 1890, ठीक है। 1890 में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। ही इज द फाउंडर ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल एजुकेशन की ये फादर है, ठीक है। तो श्री अरविंद लेफ्ट हिज बॉडी ऑन December 5, 1950 को उनका देहांत हुआ। द मदर कैरेड द वर्क अंटिल 1973। तो 1973 तक उनका जो बाकी का काम, द मदर जो जो श्री माँ है वो उन्हें संभालते हैं। हिज थॉट ऑन एजुकेशन, वो क्या सोचते थे एजुकेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू हिम एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट द एम ऑफ एजुकेशन, इट मस्ट बिल्ड पावर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट। यानी सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए शिक्षा का लक्ष्य? टू बिल्ड पावर्स ऑफ ह्यूमन माइंड एंड स्पिरिट, इंसानों के दिमाग और आध्यात्मिक स्तर पे विकास करना और वही पावर को सेट करना होता है एजुकेशन का लक्ष्य। उसके बाद आता है अरविंद घोष वॉज एन आइडियलिस्ट टू द कोर, यानी कि वो एक आइडियलिस्ट थे। वी नीड आइडियलिस्ट इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअल बातें करते थे, स्पिरिट पे बिलीव करते थे और ये चाहते थे कि थॉट, बिलीव ये सब सही है। वी नीड एन एजुकेशन प्रॉपर टू द इंडियन सोल, टेम्परामेंट एंड कल्चर दैट वी आर इन क्वेस्ट ऑफ, नॉट इंडेड समथिंग फेथफुल मियरली टू द पास्ट बट टू द डेवलपिंग सोल ऑफ इंडिया, टू हर फ्यूचर नीड एंड ग्रेटनेस ऑफ अ कमिंग क्रिएशन, टू हर एटर्नल स्पिरिट। यानी कि शिक्षा वो होना चाहिए कि जहाँ पे हम
हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है वो शिक्षा हमारे भारत के टेम्परमेंट यानी कि भारत के लोगों का जो भावना है उनके हिसाब से होना चाहिए, हमारे कल्चर अपने संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए, ना कि पास्ट को देख करके बनाया जाएगा। हमें बल्कि देखना चाहिए कि हमारा फ्यूचर नीड क्या है, हमारा कमिंग जनरेशन क्या है, क्या हम क्रिएट करना चाहते हैं, किस प्रकार का होना चाहिए फ्यूचर, वो देख करके हमें बनाना चाहिए। देन स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा कि मैन कैन नॉट रेस्ट परमानेंटली अंटिल ही रीचेस सम हाइएस्ट गुड। सबसे हाइएस्ट गुड जब तक प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैन इंसान कभी रेस्ट नहीं कर सकता। टू फुलफिल गॉड इन लाइफ इज मैंस मैनहुड। अपने अंदर का भगवान प्राप्त करना ही एक इंसान का इंसानियत है। हियर स्पिरिचुअल एजुकेशन शुड टीच द लर्नर्स टू आइडेंटिफाई द कनेक्शन ऑफ स्पिरिट टू द मैटर सो दैट दे कैन सी बोथ मैटेरियल स्पिरिचुअल लाइफ रैशनली। देखिए मैंने कहा था ये आइडियलिस्ट है इसलिए ये कहते हैं कि मतलब स्पिरिचुअल एजुकेशन बच्चों को दिया जाएगा ताकि वो आध्यात्मिक स्तर पे ये देख सकें कि एक आत्मा और स्पिरिट यानी जो भी आत्मा और एक मैटेरियल वर्ल्ड या फिर जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके बीच में क्या कनेक्शन है वो उसे समझ पाए। हिज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विल नॉट डिपेंड टोटली ऑन देयर अपीयरेंस। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जो है वो दे आर नॉट डिपेंडेंट टोटल ऑन देयर अपीयरेंस, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीग्रल एजुकेशन जो कि इन्होंने फाउंड किया था इस सिस्टम को। इंटीग्रल एजुकेशन का मतलब होता है वेयर द ह्यूमन बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मैग्निफिशेंट मशीन, यानी कि वही बॉडी माइंड एंड स्पिरिट जो डेवलपमेंट की बात होती थी। इंटीग्रल एजुकेशन मतलब हर तरीके का पूर्णांग विकास रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इन्होंने कहा। ही सॉ इन मैन एज एन इंडिविजुअल सोल अवेयर माइंड इन नेचर एज सेल्फ एंड स्पिरिट। ठीक है, मतलब वो इंसानों के अंदर जो सोल होता है एंड जो माइंड होता है, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि सेल्फ एंड स्पिरिट है, यानी कि एक है इंडिविजुअल सोल जो कि सेल्फ है, अवेयर माइंड जो कि स्पिरिट है। ठीक है, सेल्फ एंड स्पिरिट एज पर श्री अरविंदोस फिलोसफी द इंडिविजुअल इन हिज कॉमननेस द मैन इन हिज यूनिकनेस यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि इंसान को कॉमननेस यानी कि सभी इंसान कॉमन है, उनमें एक इंडिविजुअल यूनिक है, जैसे कि सभी स्टूडेंट्स हैं उनमें आप यूनिक हो इसलिए आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वैसे मैन एंड हिज यूनिकनेस यानी कि आप कुछ यूनिक हो इसलिए आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, तो इसलिए यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं फाइव स्टेजेस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। सबसे पहले आता है फिजिकल, देन वाइटल, देन मेंटल, देन साइकिक, देन स्पिरिचुअल। इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए फर्स्ट है फिजिकल यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए इंटीग्रल एजुकेशन में। इंटीग्रल एजुकेशन में आपका फिजिकल डेवलपमेंट किया जाएगा। देन वाइटल, वाइटल क्या होता है, मतलब सेंसेस आप कह सकते हो। ठीक है, सेंस करना या फिर आप कह सकते हो कि एक प्रकार से जितने सारे चीज़ें आप जान सकते हो, गैस कर सकते हो, आपका इंट्यूशन, ठीक है, और आपका गैस पावर मतलब जो रैशनलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि आप अगर मतलब आपका वाइटल एजुकेशन डेवलप करना है। वाइटल एजुकेशन मतलब क्या होता है, वाइटल एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल्स को जान सकते हो, ठीक है, और जहाँ पे आप अपने डिवाइन थिंग्स को भी आप इलस्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वाइटल एजुकेशन में, ये कहा गया है कि मतलब आप जितने सारे जैसे होते हैं ना कि कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर सकते हो, जान सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आप डील कर सकते हो, जैसे कि वाइटल पावर, एनर्जी, ठीक है, डायनामिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप डील कर सकते हो। इंटीग्रल एजुकेशन में वाइटल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि वाइटल एजुकेशन डिफरेंट है फिजिकल से थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हैं जो वाइटल डेवलपमेंट के अंडर में जाते हैं, जैसे कि थिंकिंग हो गया, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, रैशनलिटी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेंटल। ठीक है, सो मेंटल स्टेज में क्या आता है आपका, मतलब डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड, डेवलपमेंट ऑफ योर यू नो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आप माइंड से जो काम लेते हो। देन साइकिक होता है, ये तो पता ही है, साइकोलॉजिकल लेवल पे, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स में क्या होगा, यहाँ पे होगा इट सपोर्ट्स ऑल इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, यानी कि एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल सेपरेट यूनिक होता है, ठीक है। इस पे द साइकिक बींग इज अ कॉन्शियस फॉर्म दैट सोल ग्रोइंग इन द एवोल्यूशन। साइकिक बींग आपके अंदर जो एक साइकिक बींग यानी कि जिसका एक संतुलन बनाया रहता है दिमाग में, मस्त उसका एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो दिमाग होना चाहिए, जो साइकोलॉजी होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियस फॉर्म। क्योंकि देखिए जिसको नहीं पता होता है ही इज नॉट कॉन्शियस, ठीक है। ग्रोइंग इन द एवोल्यूशन इन द परसिस्टेंस प्रोसेस दैट डेवलप्स फर्स्ट लाइफ इन मैटर माइंड एंड इन लाइफ अंटिल फाइनल माइंड कैन डेवलप इंटू ओवर माइंड एंड ओवर माइंड इंटू सुपरामेंटल ट्रूथ। यहाँ पे थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज हुआ होगा लेकिन क्लियर है, ये बात क्लियर है कि यहाँ पे कहा गया है पहले आप लाइफ क्रिएट करते हो, फर्स्ट लाइफ इन मैटर, मतलब मैटर के अंदर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैटर के अंदर आप लाइफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। माइंड के अंदर आप लाइफ ड्रॉ करते हो, ठीक है। वैसे ही आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि फिर से माइंड एंड ओवर माइंड इंटू सुपरामेंटल माइंड, यानी कि ये माइंड है इसको आप एक सुप्रामेंटल माइंड बनाते हो, ठीक है। ये सभी को मिला करके आप एक सुप्रामेंटल माइंड बनाते हो जहाँ पे ट्रूथ पता चलता है। द सोल सपोर्ट्स द नेचर इन इट्स इवोल्यूशन थ्रू दीज ग्रेड्स बट इज इट सेल्फ नॉट एनी ऑफ दिस थिंग्स, यानी कि सोल क्या करता है, मतलब ये इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये खुद इसका एक पार्ट नहीं होता है क्योंकि सोल इज नॉट एग्जिस्टिंग ना। एग्जिस्टिंग कर रहा है क्या, एग्जिस्ट कर रहा है सोल, नहीं कर रहा है, तो सोल पे बिलीव करते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अपने अंदर ही है। एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज कहाँ से आता है, नॉलेज कम्स फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ सेंसेस, सेंस से आता है, वो भी इंटीग्रेट करेंगे, अगर सारे सेंस को इंटीग्रेट करेंगे तो नॉलेज मिलेगा। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी भी होता है। फ्रीडम इज द की टू ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज फ्रीडम से ही मिलता है। इट डिपेंड्स ऑन 3 A's, एज एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, एज एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड से ही आपको नॉलेज मिलता है। इट बिलीव्स इन स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज में बिलीव करते हैं। अब 3 A से आता है 3 R's एंड 3 H, किसने दिया था ये मुझे बताइएगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये गांधी जी ने दिया था, ठीक है, गांधी जी ने दिया था। इसका फुल फॉर्म बताइए, 3 R 3 H पे जो बिलीव करते थे गांधी जी ये क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देन आता है एक्सियोलॉजी वैल्यूज, ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, इंसानियत ही सबसे बड़ा वैल्यू होता है। ही बिलीव्स इन स्पिरिचुअल वैल्यूज विच गाइड अस इन आर लाइफ, यानी कि स्पिरिचुअल वैल्यूज हमें गाइड करते हैं लाइफ में। वैल्यूज आर कॉन्टेक्चुअल इन नेचर, वैल्यूज सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। दे आर इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ से उसको निकाला नहीं जा सकता। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए इनके हिसाब से, इन्होंने कहा डेवलपमेंट ऑफ लेटेंट पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि अपने अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियलिटी है, जो काबिलियत है, इसको विकास करना होता है शिक्षा का लक्ष्य। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल प्योरिटी, फिजिकली आप कैसे फिट रहोगे, मेंटल फैकल्टी से कैसे स्ट्रांग रहोगे, कल्चर एंड एस्थेटिक सेंस से कैसे फिट रहोगे, वो भी एम ऑफ एजुकेशन है। टू ट्रेन द सेंसेस एज सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज, इसलिए सेंस को ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियस चित्त मानस नॉलेज एंड इंट्यूशन, चित्त मानस मतलब आपके दिमाग का, आपका मन का विकास, ठीक है, कॉन्साइंस का, विवेक का विकास, ये सब जरूरी होता है एजुकेशन के थ्रू। मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट भी रहेगा और इमोशनल डेवलपमेंट भी रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी थ्रू योगा एंड ब्रह्मचर्य, योगा और ब्रह्मचर्य के थ्रू आपको स्पिरिचुअलिटी डेवलप कराना है। देन रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ मस्ट फॉर एजुकेशन, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एस्टेब्लिश किया है और बताया है, उनमें से फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आपको फिजिकल ट्रेनिंग, गेम, जिमनास्टिक, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, करिकुलम उनका ऐसा होना चाहिए। वाइटल डेवलपमेंट के लिए जैसे मैंने कहा था म्यूजिक, फाइन आर्ट, डांस, ड्रामा, क्राफ्ट, जो कि वाइटल चीज़ें हैं जो कि आप डिसीजन ले सकते हो। देखिए म्यूजिक, फाइन आर्ट आपका एक वाइटलिटी डेवलप करता है, यानी कि आप में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, आपका लगन उसमें रहता है, जब आप गाना सुन लेते हो तो काम करने में मज़ा आता है, तो इस तरफ से वाइटल डेवलपमेंट रहेगा। देन आता है मेंटल डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल, अप्लाइड साइंस पढ़ाएंगे। मोरल डेवलपमेंट के लिए नोबल हैबिट, राइट इमोशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, ट्रेनिंग ऑफ रज, राजयोग, ठीक है, ये भी करेंगे। साइकिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि लव एंड ट्रूथ, फेथ इन गॉड, इस तरह से। वोकेशनल एस्पेक्ट के लिए आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, कारपेंट्री, म्यूजिक, नर्सिंग, डांस, ड्रामा, इंजीनियरिंग, ये सब हो रहेगा।
इंटरनेशनल एस्पेक्ट के लिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, फेलो फीलिंग, इंटरनेशनल लव, सिंपैथी, ये सब करिकुलम में हम रखेंगे ताकि बच्चों के अंदर ये सारे डेवलपमेंट्स हो सके। मेथड ऑफ लर्निंग क्या रहेगा? सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा, मदर टंग से पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा और 3 A's के द्वारा यानी एज, एबिलिटी, एप्टीट्यूड के द्वारा वो सीखेंगे। टीचर का रोल क्या रहेगा? यहाँ पे डोरमेंट है यानी वो कुछ ज़्यादा करेगा नहीं, बस हेल्प एंड गाइड करेगा बच्चों को, और यहाँ पे सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट नहीं करेगा बल्कि नॉलेज कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसको, मतलब बच्चों को वो रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, देन आते हैं रोल ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स चाइल्ड इज द हीरो इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे हीरो है बच्चा। चाइल्ड इज एनकरेज टू गाइड टू ड्रॉ आउट हिज क्वालिटीज, यानी कि वो अपने क्वालिटीज को बाहर निकाले, उसको गाइड किया जाएगा। एजुकेशन शुड सेटिस्फाई द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का जो नीड और इंटरेस्ट है उसको सेटिस्फाई करा जाएगा। देन आते हैं ऑरोविल के बारे में जानेंगे। ऑरोविल क्या है? ऑरोविल एक अमेजिंग मतलब गिफ्ट है जो कि इन्होंने दिया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ डॉन, विच इज सिचुएटेड 5 miles अवे फ्रॉम पॉन्डिचेरी, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मदर ऑन 28 फरवरी 1968। इसको इनाग्रेट किया गया था, सिटी ऑफ डॉन कहा जाता है इरोविल, ऑरोविल को 28 फरवरी में हुआ था। और जो ये द मदर हम सुनते हैं श्री माँ के बारे में, वो एक्चुअल में है कौन? वो है मीरा रिचर्ड, उनका नाम है मीरा रिचर्ड, और फ्रेंच वुमन हु इज पॉपुलरली नोन एज द मदर, फ्रेंच वुमन है वो। ठीक है, श्री अरविंद आश्रम स्कूल वॉज एस्टेब्लिश नियर द सी शोर ऑफ पॉन्डिचेरी इन 1943, इनका एक आश्रम स्कूल एस्टेब्लिश किया गया 1943 में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आंसर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हमारे ऑलरेडी क्लासेस जो भी चल रहे हैं उसका भी आपको सारे वीडियोस और सारे PDF मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके लिए आपको पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे पेड क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसी नंबर पे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर करिए कॉमेंट बॉक्स में। वाइटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डील्स विद, वाइटल डेवलपमेंट क्या होता है? इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेंसरी डेवलपमेंट, कॉमेंट करके बताइए। तब तक पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है सेंसरी डेवलपमेंट, जब आप सेंस कर सकते हो सही गलत, म्यूजिक, फाइन आर्ट, डिबेट, मतलब आप में सेंस होता है, आप में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होता है, मतलब जब आप सेंस करोगे कि ये सही है ये गलत है, यू कैन टेक डिसीजंस, यू कैन मेंटेन योर रैशनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरलिस्ट, इनमें से कौन एक नेचुरलिस्ट है? रविन्द्रनाथ टेगोर, जिदु कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ द एबव, कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी नेचुरलिस्ट, मतलब नेचुरलिस्ट मतलब कोर नेचुरलिस्ट नहीं हो सकते लेकिन दे बिलीव इन नेचुरलिज्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हु हैज प्रिस्क्राइब्ड क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन फॉर ऑल, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन के लिए किसने प्रमोट किया है या फिर प्रिस्क्राइब किया है? एमके गांधी, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टेगोर, जिदु कृष्णमूर्ति, पॉज करके आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर है महात्मा गांधी। ऑरोविल वॉज इनाग्रेटेड इन, ऑरोविल को कब इनाग्रेट किया गया था? 28 फरवरी 1968, 26 फरवरी 1969, 27 फरवरी 1965, 25 फरवरी 1968, पॉज करिए और आंसर बताइए। इसका आंसर है 28 फरवरी 1968, जो कि पौंडीचेरी से 5 miles अवे है, और मीरा रिचर्ड जो कि द मदर है, फ्रेंच वुमेन है, इन्होंने इसको इनाग्रेट किया था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टेगोर वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला था? मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, केमिस्ट्री, बताइए कौन सा होगा। ओके, सो इसका आंसर होगा लिटरेचर, गीतांजलि किताब इन्होंने लिखा था जिसमें 157 poetries बंगाली में लिखा गया है, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, वो भी लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, ओके, तो चलिए, बी द लाइट टू ब्लो अवे डार्कनेस, तो वह लाइट बन जाइए जो कि अंधकार को दूर कर देगा। फ्रॉम एडुचेंट्स, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू, थैंक यू वॉन्स अगेन।